Dorsey, please give a huge round of applause for the working team of Frederick. Yes. So we're going to pass the mic around. Aapko kuch questions puchna hai, to we'll, can we have a mic passed around? Anyone, if you have a question, please, you can raise your hands. And yes. Aayye, thoda sa aage aayye. Rajesh ji? Yes, we have a question right there, yeah. Rajesh ji here. Haan ji boli. Arre sir, namaskar. Namaskar sir. My compliments. Thank you very much. Jo kuch dekha bada hi interesting laga. Achha, kya ye sahi hai ki is film ko banane ke liye aapne mahino tak koi Hindi film nahi dekhi thi? Nahi, main shayad 3 saal ho gaye ek film nahi dekhi abhi tak. Aur kya wajah thi Hindi film na dekhne ki? Nahi, Hindi film ki baat nahi hai. Film bahut dekh chuka tha iske pehle. Ab film banana tha mujhe. To डिस्टर्ब होना नहीं चाहता था मैं. एक ही धुन थी कि ये फिल्म को मजबूत और बहुत बेहतर बनानी है, क्योंकि हर चीज नई सोचनी थी मुझे. ये पूरी फिल्म के बारे में एक बात बताना हूं कि कोई भी सीन, स्टोरी या कोई भी ऐसी बात किसी फिल्म से मिलती हुई नहीं मिलेगी आपको. ये 100% नए कॉन्सेप्ट पे, नए तरीके से फिल्माई गई फिल्म है. सारे सीन एकदम नए, जिसे आपने शायद देखा होगा, सॉन्ग्स भी देखे, ट्रेलर देखा, अपने आप में एक नयापन जरूर दिखा होगा आपने. वैसे फिल्म भी है, कंप्लीट नएपन के साथ है. और इस फिल्म में जो घटनाएं घटती है एक के बाद, आपको आप जज नहीं कर पाएंगे इसके बाद क्या होगा. शॉकिंग है. हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक शॉकिंग चीज मिलती रहेगी. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक साथ इस फिल्म में चल रहा है. और इसको कैसे मैनेज किया मैंने, शायद इसके लिए काफी वक्त लगा. बस और कुछ. राजीव जी, आपके लिए सवाल है. हाँ बोलिए. अब तक आप डायमंड पर रखते थे, अब सिने अभिनेता अभिनेत्रियों को परखेंगे, तो ये डायमंड बिजनेस से फिल्म बिजनेस में आप कैसे आए? ज्यादा डायमंड में और इस फिल्म में फर्क है नहीं, मैंने देखा. क्योंकि डायमंड को तराशना पड़ता है, कच्चे को पॉलिश डायमंड करना होता है. काफी कुछ चीजें हैं जो डायमंड में जो मैंने सीखा वो फिल्म में काम आया. यहां तो खैर जीवंत लोग थे तो उनको चलाना मेरे लिए आसान था. नहीं तो निर्जीव जो हीरा होता है कच्चा, उसको तराशना, उसको बेटर करना टफ होता है. तो टफ काम मैं पहले कर चुका था. सर, किसी को असिस्ट किए बगैर एक पूरी फीचर फिल्म डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग रहा था? देखिए, शुरुआत में कुछ दिनों तक मुझे लगा था, मैंने ग्रिप कर लिया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एक उम्र तो गुजार चुका हूं मैं बचपन से फिल्म देख के. सोचते हुए जब फिल्म में देखता था तब मुझे उसमें कमियां ढूंढता था. हमेशा हर फिल्म में मैं कमियां ढूंढते रहता. शायद मैं होता तो ये नहीं करता, ये होता मतलब ये नहीं किया होता मैं. तो दिमागी तौर पे फिल्में तो बना रहा था काफी बार. मैं ख्यालों में बहुत फिल्में बनाई मैंने जो रिलीज नहीं हो पाई. मगर बाद में एक मौका मिला हमारे दोस्त मनीष जी, जो मेरे परम मित्र है, 15 साल से काफी करीब है हम. इन्होंने मुझे पुश किया कि तू फिल्म बना, तू डायमंड में नहीं तो फिल्म लाइन में आ जा. तो फिर मैंने इस लाइन में फिर कदम रख दिया अपना. लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, फाइनली ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बनकर निकला है. जो हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने काफी तारीफ की इस फिल्म की. और पेस है फिल्म में बहुत जबरदस्त, शायद कमी हिंदी फिल्मों में इतना पेस मिलता है. ब्रीदिंग पॉइंट सिर्फ सॉन्ग्स मिलेंगे आपको इस फिल्म में, बाकी आपको एक गति पकड़ी हुई फिल्म है. आप दूसरी फिल्मों में कुछ कमियां निकालते रहे, अपनी फिल्म जब आपने खुद देखी होगी तो आपका क्या मानना था? तो मैंने कई बार देखा ना, मैं कमियां निकालते गया फिल्म बना के, कमियां निकालते गया, निकालते 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 आखिर में देखा कि कमी है ही नहीं, अब वो फिल्म बन गई. अच्छा राजेश जी, सांगीतिक हस्तियों का इतना अच्छा तालमेल आपने कैसे बनाया? सॉरी, हाँ जी सर. सांगीतिक हस्तियों का इतना अच्छा तालमेल आपने कैसे बनाया? खासतौर पर अपने संगीतकार के बारे में कुछ बताएं, इनका इनसे संपर्क और इनका आगे. संजय जी के बारे में, संजय से मेरी मुलाकात हुई थी 3 साल पहले. तो इन्होंने अपने कुछ म्यूजिक सुना रहे थे मुझे,
तो इनमें बहुत इनमें जो उसको कहते हैं सोल था, इनके म्यूजिक में जो एक गहराई थी, मैंने उसी समय में कहा था विचार लेने थे पूरा गाना सुना दिया आपको के आप कम गाते हैं, ये मैं सवाल अभी हमारा शुरू हो रहा है, कम गाते हैं आप बहुत, और तमाम नई पीढ़ी के जो गायक हैं उनके आप आदर्श बने हुए हैं इस समय, तो ये जो नई पीढ़ी आई है और एक आपकी पीढ़ी है, किस तरह से आप देखते हैं इसको, पूरे म्यूजिक सिनेरियो को जो पूरा बदल चुका है उसको आप किस तरह से देखेंगे? अगर आप देखें आज से 20 साल पहले तो हमारे सीनियर जब थे तभी भी बदलाव आया था, तो समय के साथ साथ तो बदलता रहे सब कुछ, नए एक्टर्स आते हैं, नए सिंगर्स आते हैं, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं, लिरिसिस्ट आते हैं, तो हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि एज सिंगर्स की हम सबके साथ काम कर पाएँ, उन म्यूजिक डायरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, और गाने की जो है पहचान जो होती है वो मुझे लगता है कि असली पहचान होती है लिरिक्स और जो मेलोडी को उसका तालमेल जो है वो सिंगर बस निभा जाए तो बस गाना चल जाता है। युवा पीढ़ी जो है आजकल के जितने भी नए सिंगर्स हैं सब बेहतरीन है, मुझे लगता है कि सबकी कुछ अनेक कुछ कुछ स्पेशल बात है, कुछ यूएसपी है जितने भी नए सिंगर्स आए हैं, तो इसीलिए वो टिके हैं और इसलिए उनको मौका भी मिला है, तो अच्छा है। जितने भी ऐसा ना मुझे लगता है ये बाग है, जितने भी फूल वाला अगर किस्म के हों तो बहुत अच्छा लगता है बाग, एक ही टाइप के फूलों में बोरियत होती है, सुगंध भी वैसी रहती है, तो अच्छा लगता है कि सब मिक्स हो और सब लोग अलग अलग गाने सुने, अलग अलग वॉइस को सुने, तो एक हमको भी अच्छा लगता है, हम जो यहाँ पर काफी टाइम से टिके हुए हैं हमें भी लगता है नए नए आ रहे हैं, अच्छा लगता है सुनते हैं यार ये अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ नई समथिंग न्यू, करेक्ट? ऑफ कोर्स नहीं, जरूर जरूर। सो या इट फील्स वेरी गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। शान से सवाल है, शान अभी आप म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं और एक सिंगर के तौर पर कितना आप पर अब दबाव पड़ता है? जब आपने कहा के आप कम गाने गा रहे हैं मैं तभी डर गया कि मेरी जब वक्त आएगी आप क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे मुझसे, क्योंकि तो फिर भी साल के 10-12 हिट गाने करते ही मेरे तो 12 साल में एक नहीं आई है, तो लकली आपने कोई अच्छा सवाल पूछा। हाँ मैं आजकल कंपोजर हो गया हूँ इसलिए ध्यान उस तरफ ज़्यादा है, लेकिन मैं मेरे पिताजी भी कंपोज़र थे और बचपन से मैं अपने घर में वही माहौल था, मैं देखता था किस तरह से गाने बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक चाहत तो थी कि किसी पॉइंट पर मैं ज़रूर संगीतकार बनना चाहूँगा, लेकिन जब वो वक्त आया तो देखा कि बहुत ही मुश्किल वक्त है आज के वक्त में। When you were given the assignment of composing music for Frederick and why a title like Frederick? ये जवाब तो डायरेक्टर साहब ही देंगे क्योंकि उनका ये मतलब उनका एरिया है, एंड जहाँ तक सवाल म्यूज़िक का था, हाँ टफ ज़रूर था पर वो टफनेस में ही मज़ा था, वो कुछ अलग हो जाए कुछ करे तो वो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। अच्छा आजकल जब फिल्म के लिए सिंगर्स को बोलते हैं गाने के लिए जी, तो ऑन व्हाट बेसिस यू सेलेक्ट, बिकॉज ए सॉन्ग विच शान हैज संग कुड हैव बीन संग बाय केके, हाउ डू यू डिसाइड हु? आज चलती हुई फिल्म है फ्रेडरिक नाम, इस फिल्म का आपने पूछा संजय जी से, ये नाम मुझे बहुत अपील कर रहा था क्योंकि इस फिल्म का कैरेक्टर है एक फ्रेडरिक और वो नाम इतना अपील किया मुझे कि उसमें उसका नाम मैंने इस फिल्म का उसी नाम पे रख दिया। और क्या सर? प्रशांत नारायण आज मौजूद नहीं है जी, वो केरला गए हैं, वो उन्होंने मुझे खास कहा था कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। यस प्लीज गिव द होल टीम ऑफ फैब्रिक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एज दे पोस्ट फॉर सम पिक्चर्स।